नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 44 साइज के लिए ब्रा पैटर्न की कटिंग करना और स्टिचिंग करना, बहुत ही इजी और न्यू पैटर्न के साथ में, नए स्टेप्स में। 44 साइज ब्रा पैटर्न कटिंग करने के लिए ये लेंगे हम 11 इंच। और अगर आपको इससे नहीं साफ दिखाई देता है तो ये लीजिए, यहाँ से देखिए, ये है 11 इंच का, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो देख लेते हैं, ये है 9.5 इंच की। ये है 9.5 इंच का, एक कागज़ ले लें, इसके ऊपर हम पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न बनाने के लिए पहले कागज़ को ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। फोल्ड करने के बाद ये सेंटर लाइन बना लेंगे, ठीक है। सेंटर लाइन को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, ये हो गई अपनी सेंटर लाइन, ठीक है। अब इसको फिर से हम डबल कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। इंची टेप लेंगे, यहाँ से लेंगे हम, ये है 5.5 इंच का। और आप ले ले यहाँ पे 5 इंच का, ढाई इंच तक हम इसको सीधा रखेंगे। ये है 2.5, ठीक है। अब हम ब्रा की जो लेंथ देखेंगे, क्योंकि 44 साइज के लिए आपको ब्रा का जो लंबाई है वो चाहिएगा 8 इंच का। ये मैंने 8 इंच पे पॉइंट लगा दिया है। अब सबसे पहले आपको इस पॉइंट को इस पॉइंट में मिलाना है, उसके लिए आप इसको सीधा भी मिला सकते हैं इस तरह से। पहले हम सीधा मिला देंगे, ठीक है। अब हम इसको गोलाई लगाएंगे, इस तरह से आपको गोलाई लगाना है। ये हो गई गोलाई। अब हम इसको कट कर लेते हैं, जो साइड्स हैं उसको कट कर देते हैं। मैंने कट कर लिया है, बीच को भी हम इसको कट कर लेते हैं। बीच से भी हमें इसको ऐसे कट कर देना है, ये मैंने इसको कट कर दिया है। अब हम इसके दो पैटर्न कटिंग कर लेते हैं, पहले कपड़े पे, फिर मैं इसको आगे की प्रोसेस बताऊंगी। पैटर्न से एक सिलाई का एक्स्ट्रा रखते हुए, जो ये सिलाई है ना, इतना एक्स्ट्रा रखते हुए इसको मैंने कट कर लिया है। और जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है उसको हम सिम में ऐड कर देंगे। कैसे सिलना है इसको देखो, हटा देते हैं और ये ऑन साइड पे ऑन साइड को रखते हैं। नीचे से ये ऑन है, ये ऑफ साइड है, तो हम यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ये हमारी सिलाई की लाइन है, इसको हम यहाँ पे ऐसे सिल देते हैं ऊपर तक, यहाँ तक हम एक सिलाई कर देते हैं। सिलने के बाद देखो हमारे पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको ओपन करते हैं तो कुछ ये इस तरह से दिखते हैं। अब आप देख सकते हो पैटर्न कितना बढ़िया ना, सिर्फ एक सिलाई से आपका जो कप है वो तैयार हो गया है, ठीक है। आप चाहे तो इसके अंदर वो पैड भी लगा सकते हैं, पर पैड से बहुत ये बड़े साइज की जो ब्रा है वो अच्छी नहीं लगती, छोटे साइज में पैड जो है वो अच्छे लगते हैं। अब ये हो गया एक तरफ का पैटर्न और ये हो गया दूसरी तरफ का पैटर्न। पहले इसको भी खोल करके थोड़ा सा चेक कर लें, बिल्कुल सही है। अब इसके ऊपर इसको रखेंगे, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल बराबर में रखेंगे। बराबर रखने के बाद हम एक साइड से, जहाँ पे हमारी नेकलाइन साइड होती है, वहाँ पे हम इसको लगभग 2 इंच तक या फिर 1.5 इंच तक ऐसे जॉइंट करेंगे। तो इसको इससे सीधा कर लेते हैं,
तो यहाँ पे आप इस तरह से देखिए, ये है 1.5 इंच तक, 1.5 इंच तक मैंने इसको सीधा इस तरह से यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद आप इसको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा चाहे तो कट कर सकते हैं, हल्का हल्का नेक के साइड में। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा इसको जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर देती हूँ, बराबर करेंगे। ठीक है, बराबर करने के बाद इस तरह से इसको कट कर दिया है। अब यहाँ से इसको हम लेंगे दोनों पार्ट्स को बिल्कुल बराबर, लेने के बाद थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम एक सिलाई इसकी लगा देते हैं। कप्स पे मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब कप्स को हम इस तरह से करेंगे सीधा, थोड़ा सा इसको जो बीच का सेंटर है वहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इस तरह से स्केल लीजिए और स्केल लेकर के इस तरह से आपको इसको सीधा करना, उस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक, फिर बिल्कुल हल्का सा ही हमें इसको कट करना है। लगभग ये वाली लाइन होगी, ये वाली, इस तरह से आप इसको कट कर दें। हल्का हल्का इसको हमें बीच से कट करना है। देखिए कैसे करती हूँ, देखिए ज़रा। ये मैंने इसको सीधा कर दिया है, नीचे से एकदम स्ट्रेट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे कप्स हैं। अब क्या करना है आपको, कप्स खोलने के बाद देखिए कुछ इस तरह से होंगे आपके जो ब्रा का जो कप्स है, और ये साइज मैंने आपको बता दिया 44 साइज का है। अब जो इसके कॉर्नर्स हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इनको आपको ऐसे या तो फोल्ड करना है सीधा, और अगर आपके पास लेस है तो वो आप लेस भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी लेस है तो आप लेस के एक साइड सिलाई कीजिए, यहाँ पर एक सिलाई करने के बाद आपकी लेस इस तरह से हो जाएगी। नीचे जैसे आप उसको फोल्ड करेंगे इस तरह से फोल्ड हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ से इस तरह से दिखाई देंगी। तो पहले इसके ऊपर सीधी सीधी ऐसे एक सिलाई निकाल लेनी है इस तरह से, और एक सिलाई निकालने के बाद आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने इसके एक सिलाई लगा दी है, इस साइड में मैंने लेस को यहाँ तक किया है, क्योंकि जो मेरी सिलाई थी ना वो आप देख सकते हो नीचे वाली सिलाई यहाँ तक है। ये देखिए ये यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई की है, इसको मैंने इस तरफ मोड़ा नहीं है, यहाँ तक की है। उसके बाद जो लेसें हैं वो दोनों की अलग अलग यहाँ पर इस तरफ में इस पॉइंट्स पर ऐसी सिलाई की है, ये देखिए यहाँ तक, और इस तरफ में इस पॉइंट पे यहाँ तक मैंने इसको लेस को अटैच कर दिया है। ये देखिए अब इसको आप आगे से देखिए कुछ इस तरह से ये आपकी जो लेस है वो फोल्ड हो जाएगी। ये देखिए सीधी है ना, तो इसी तरह से आपको लेस को अटैच करना है। इस सिलाई को आपको ये जो नीचे वाली है ना, ये वाली, इस पे करना है नीचे वाली पे, और इस लेस को आपको इस पे, ये जो वाली है, इस वाले पार्ट्स पे यहाँ तक ये अटैच करना है, और उसके बाद आप देख सकते हैं ये ऐसे हो जाएगी। तो ये लेस अटैच कर दी है, उसके बाद में आपको इनको ऐसे करके और एक ऊपर बैठने वाली सिलाई इस तरफ और एक ऊपर बैठने वाली सिलाई इस तरफ कर देनी है। इसको आप देख सकते हो ये मैंने लेस दोनों पार्ट्स पर अटैच कर लिया है। अब देखिए 44 चेस्ट है तो कमर होगी लगभग 35, 36 या 34 भी हो सकती है। और ये है हमारे पास में जो नीचे की पट्टी है डबल है, वो है 17 इंच की, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक ये है 17 इंच की। और ये मैंने पट्टी जो ली है वो है डबल में इस तरह से, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसका थोड़ा मिडिल सेंटर, क्योंकि ये जो होती है ना हमारी टी शर्ट वो उसकी है, तो यहाँ पे इसका जो सेंटर होता है वहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं सेंटर है, ठीक है। सेंटर को आपको इसके सेंटर पे रखना है यहाँ पे,
और एक सिलाई लगा देनी है। सेंटर को रखना ऐसे है उल्टी साइड में, और इसको हमें ऐसे रखना है, इस जो सेंटर बिंदु को यहाँ पे रख करके, और एक सिलाई से इस तरफ सिल देना है, और इसी तरह से एक सिलाई से आपको इसको थोड़ा खींच करके, इसको खींचेंगे तो ये इस तरह से बढ़ने वाला है, और अगर बढ़ने वाला नहीं है तो इसके बराबर में ले लें। अगर आप कॉटन के कपड़े से बना रहे हो तो ये पट्टी बराबर की ले लें, और फिर इसके अंदर यहाँ पे आपको इलास्टिक डाल देना है अपनी कमर के अकॉर्डिंग, क्योंकि थोड़ी सी ये ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा होगी तो कमर पे भी ढीली रहती है, तो इसके अंदर इलास्टिक डाल देते हैं तो वो थोड़ी टाइट हो जाती है। तो यहाँ पे ये चूँकि बढ़ने वाला कपड़ा है तो रबड़ डालने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको एक सिलाई लगा देती हूँ बिल्कुल बराबर में। देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसके एक सिलाई जो है वो लगा दी है यहाँ तक, और फिर इसको यहाँ तक। अब हम इसको इस तरह से करेंगे, और इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, और फिर इसके ऊपर ऐसे इसको लगा देंगे, फिर एक सिलाई हम यहाँ से लेकर के सेंटर से और यहाँ तक लगा देंगे। तो मैंने ये पट्टी स्टिच कर ली है, और आप कॉटन के कपड़े की पट्टी लगा रहे हो तो आप इसके अंदर थोड़ा इलास्टिक डालिए, और ये जो पट्टी है इससे 2 इंच छोटा इलास्टिक डाल करके दोनों साइड से लॉक कर दीजिए। जैसे कि मैंने अपनी और वीडियोज़ में आपको बताया है कि पट्टी के अंदर इलास्टिक कैसे डालते हैं, तो मेरी और वीडियोज है उनमें आप देख सकते हो कि मैंने इलास्टिक को कैसे डाला है, फिर कैसे यहाँ से लॉक किया है, फिर इलास्टिक को यहाँ से लॉक किया, फिर हम बैग की पट्टी यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो इस तरह से इलास्टिक को डाला जाता है। अब हम इसके ऊपर डस्ट लगाएंगे और बैग की पट्टी लगाएंगे। बैग की पट्टी के लिए देखिए मैंने ये ली है पट्टी, ये है डबल, आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे डबल, और ये है कितने, क्योंकि ये थोड़ी बढ़ने वाली है इसलिए मैंने थोड़ी छोटी ली है, और हमें ज़रूरत है यहाँ पे मैंने लिए 7 इंच की, ठीक है। और यहाँ से हम रखेंगे इसको 1.5 इंच की, और फिर इसको आपको ऐसे कट कर देना है ऐसे, ठीक है, ऐसे मैं इसको कट कर देती हूँ। तो दोनों को कट कर दिया है, कट करने के बाद देखिए ये एक इस तरफ की और एक इस बीच में हम थोड़ा 2 इंच का इलास्टिक लगा देते हैं ताकि कमर कम हो तो वो एडजस्ट हो जाए। तो इस तरह से कॉटन की पट्टियाँ कटिंग कर लें, और ये ले लें 1 इंच का इलास्टिक, तो 1 इंच की चौड़ाई का है, और 2 इंच या 3 इंच या 4 इंच तक लास्ट इलास्टिक डालते हैं, तो ये है वो लगभग 4 इंच का, ये लगने के बाद 3 इंच का बाहर रहेगा और 1 इंच इस सिलाई में दब जाएगा। तो अब आपको क्या करना है इलास्टिक लगाने के लिए, आपको इसको इस तरह से उल्टा करना है, यहाँ पे इलास्टिक को रखना है बीच में एकदम, और यहाँ पे इसकी एक सिलाई कर देनी है, उसके बाद में आपको इस सिलाई को यहाँ तक करना है। देखिए इलास्टिक को अंदर रखेंगे और ऊपर की साइड में भी एक सिलाई लगा देंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मैं एक सिलाई निकाल करके फिर दिखाती हूँ आपको। आप इसको बैग से ओपन भी रख सकते हो, यहाँ पे हुक और आई लगा ले दोनों पट्टियों पे, जैसे ये पट्टियाँ कटिंग कर ली है कमर का चौथा भाग करके, और फिर इस तरफ एक तरफ आप हुक और एक तरफ आप आई लगा ले, इस तरह से भी पट्टियाँ तैयार की जा सकती है। अब देख सकते हैं आप सिलाई मैंने कर दी है, क्योंकि मैं इसको ऊपर से ओपन रखने वाली हूँ, तो जो हमारी स्ट्रिप होती है वहाँ से, इसलिए मैंने इसको आगे और पीछे से लॉक किया है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इलास्टिक अंदर की ओर हो गया है। इसी तरह से इलास्टिक का जो दूसरा छोर है वो हम इस पट्टी में लेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर आपको ऐसे रखना है, जो आपकी साइड है ना, ये फोल्डिंग साइड है, फोल्डिंग साइड में इसको ऐसे रखना है। देखो जिस तरफ ये फोल्डिंग साइड हो, फोल्डिंग साइड है कि जिस तरफ सिलाई हो उस तरफ आपको इसको भी सिलना है, और इस तरह से एक सिलाई इस पट्टी के आपको यहाँ तक कर देनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो इसको आपको रखना कैसे, ऐसे रखना है, ये जो है वो अंदर की तरफ रहना चाहिए, वो मैंने आपको बाहर की तरफ बताया था वैसे नहीं, इलास्टिक अंदर की तरफ होता है, इसके अंदर ऐसे फिर सिलाई करना है। बस यही ध्यान रखना है
कि फोल्डेड साइड को फोल्ड, सिलाई की साइड को सिलाई की तरफ रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे नीचे चली गई सिलाई की साइड, फिर से इसको ऐसे करेंगे और अब देखिए यह नीचे फोल्डेड साइड है और ये भी फोल्डेड साइड है और ये ऊपर सिलाई की साइड है, यहाँ पे भी ऊपर सिलाई की साइड आ जाएगी। तो ऐसे आपको इसको सिलना है। सिलाई करने के बाद देखिए सिल दिया ना, इसको ऐसे निकाल लेते हैं और इसके बाद आप चेक कीजिए, देखिए सिलाई दोनों में ऊपर की साइड है और नीचे इसकी जो है फोल्डेड साइड है, ठीक है। अब आपको ब्रा का एक पार्ट्स इस तरह लेना है और सिलाई की साइड को ऊपर रखना है, सिली हुई साइड को, और एक पार्ट्स यहाँ पे अटैच करना है, एक पार्ट्स को आपको यहाँ पे सील देना है। एक को देखिए यहाँ पे इसको सील करके और फोल्ड कर देना है अंदर की ओर, ऊपर ओन साइड पे ओन साइड रख के, फिर सिलने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से, तो अब आप देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पे सील दिया है, यहाँ पे इस तरफ की पट्टी को और इस तरफ की पट्टी को मैंने यहाँ पे सील करके ऊपर की सिलाई निकाल दी है, ठीक है। एक्स्ट्रा धागे को कट कर देंगे। अब इसकी जो बेक पट्टी है वो आप देखिए इस तरह से रहेगी, ये कम या ज़्यादा होने पर इस तरह से बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर की स्ट्रिप लगाते हैं, यानी डोरी यानी डस लगाते हैं। तो ये देखिए ये मैंने डोरी तैयार की हुई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी एक डोरी की जो एक पार्ट्स हैं वो यहाँ पे हम इसको लगा देंगे और इसको यहाँ पे हम सील देंगे, एक को यहाँ पे और दूसरी जो हमारी डस है उसको हम यहाँ पे थोड़ा देखिए यहाँ से जो इसका जो सेंटर होता है ना, यहाँ से लेकर के आधे रबड़ तक, तो ये इसका सेंटर हुआ, यहाँ पे हम लगाएंगे, सेंटर पे लगाना, बीच में इसका आधा स्पेस यहाँ पे और आधा इस तरफ में, यहाँ पे लगा करके इसको करेंगे और एक को हम यहाँ पे लगा देंगे। दोनों डोरी स्टिच कर देते हैं। देखिए डोरी दोनों साइड पे स्टिच कर दी है। तो अब हम इसके आगे आते हैं फ्रंट में और यहाँ पे आप इसको देखिए, ये मैंने लगाया इस पे जो बटन्स होते हैं वो वाले, इससे भी आपको अच्छी तरह से जो ब्रा है वो बटन का, देखिए एक पार्ट्स मैंने यहाँ पे लगाया, एक ऊपर में लगाया है। और डोरी आप अपने जो शोल्डर के अकॉर्डिंग ले लें, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, मैं आपको नाप करके बताऊंगी कि कितना लिया है। और यहाँ पे इस तरह से ये आप बटन को बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये इलास्टिक है जो देखिए लाइलक्स वाला कपड़ा है, तो ये थोड़ा बढ़ता रहता है और पहनने में आपको आसानी से होगी बिल्कुल, क्योंकि इलास्टिक डाला हुआ है, हर जगह से ये बढ़ जाएगा और फिर ये बॉडी पे एकदम कंफर्टेबल रहता है। तो इस तरह से मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे इसको लॉक किया है। इसी तरह से दूसरा जो ये स्टिप्स है ये वो हम यहाँ पे लगाएंगे बटन्स जो है वो, देखिए ये जो हमारा कप्स है इसकी ये जो आएगी इस तरफ से, यहाँ पे हम एक बटन लगाएंगे और दूसरे को हम यहाँ पे लगा करके और इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से ब्राजू बन करके वो रेडी हो जाती है। देखिए दोनों कप्स यहाँ पे आप इसको इस तरह से लॉक कर सकते हैं और छोटी या बड़ी भी आपको कर सकते हैं इस पे। अगर ये बड़ी हो जाए तो आप ये जो बटन है ये यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो बड़ी ही कटिंग करें स्ट्रिप को, छोटा किया जा सकता है, छोटी होगी तो फिर बड़ी नहीं हो पाएगी, बड़े को छोटा किया जा सकता है, छोटे को बड़े नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से ये देखिए ब्रा बिल्कुल से बन करके रेडी हो गई है। कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ ये देखिए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी तरह से आप भी अपने घर पर जो है वो ब्रा बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ये देखिए डस को आप बड़ी या छोटी भी कर सकते हैं। थैंक यू।